हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जो स्टूडेंट्स की, जो इंडियन स्टूडेंट्स की वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है एज अ स्टूडेंट जाने के लिए। वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपने जो वीजा ओपन किए हैं स्टूडेंट्स के लिए और एक नया बेनिफिट भी दिया है उनको कि अब वो फुल टाइम काम कर सकते हैं अपनी स्टडीज के साथ। ऑल्दो पहले उनकी लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, बट अब वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं एज मच एज दे कैन। सो इसकी वजह से जो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स थे वो इंटरेस्टेड हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या करना होता है, क्या उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है अपने वीजा प्रोसेस करते समय। तो अगर आप अपनी फाइलिंग खुद से कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इवन अगर आप किसी एजेंट से लगवा रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, सो डेट कि कोई भी एजेंट आपको फूल ना बना सके। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपने एकेडेमिक्स को एक स्ट्रीमलाइन करें। अब देखिए कि लास्ट आपने क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉमर्स की थी, चाहे वो प्लस टू है चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना माइंड सेट बनाए कि आपने कोर्स क्या करना है फ्यूचर में। तो कोर्स सिलेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो कोर्स के क्रिटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, कितनी आयल्स के बैंड चाहिए। जनरली अगर आपने प्लस टू किए हैं तो आपको 6 बैंड ईच चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो 6.5 बैंड चाहिए, और ईच मॉड्यूल में नॉट लेस देन 6 चाहिए। तो इस चीज को आप पहले पूरा करें, अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। इसमें आप आईएलटीएस भी कर सकते हो, पीटीई भी कर सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट द पीटीई एज वेल इन द ऑस्ट्रेलिया। तो मेक श्योर व्हाट एवर यू फील इजी गिविंग द एग्जाम यू कैन गो फॉर दैट एग्जाम। देर इज नो कंपल्सन फॉर द आईएलटीएस ओनली। व्हाट एवर यू फील इजी, इवन इफ यू फील फॉर द पीटी, यू कैन गो फॉर द पीटी। मेक श्योर कि आप अपने कोर्स सिलेक्शन बहुत अच्छे से करें, अपने एटलीस्ट अपने माइंड में आपको दो तीन ऑप्शन हो कि मैंने ये कोर्स करना है या फिर ये कोर्स करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वो लेवल वन की यूनिवर्सिटी हो ऑस्ट्रेलिया की। लेवल टू या लेवल थ्री का अप्लाई मत करना। लेवल वन के अप्लाई करने से आपका जो वीजा सक्सेस रेट है वो ज्यादा हो जाता है। चेक फॉर द डिफरेंट लोकेशन, चेक फॉर द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, चेक फॉर द डिफरेंट कोर्सेज विच यू कैन गो फॉर, चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच मैचेज योर प्रोफाइल, देन अप्लाई इन दैट कोर्स। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बहुत बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें, सोच समझ के सिलेक्ट करें कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। इट मैटर्स अ लॉट इन वीजा सक्सेस रेट। तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके क्राइटेरिया को चेक करते हुए आपकी जो एप्लीकेशन को अप्रूव करती है, तो देन वो आपको एक ऑफर लेटर सेंड करेगी, और वो ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको अपनी जीटीई करवानी है। जीटीई रेफर्स टू द जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो प्लस टू का है, चाहे आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, कोई भी है, वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन दे कैन डू इन एनी वे बाय कॉन्टेक्टिंग द यूनिवर्सिटी वे यू हैव डन योर कोर्सेज, या फिर किसी भी वे से वो कर सकते हैं। दे जस्ट नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय योर डॉक्यूमेंट। तो इस चीज में आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना फेक ना लगाएं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना फेक ना लगाएं, बिकॉज एम्बेसीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है इन चीजों को लेके। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है तो हो सकता है कि वो आपको अपनी कंट्री से बैन कर दे। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें, और अगर आपका एजेंट भी कुछ ऐसा कर रहा है तो आप अपनी प्रोफाइल के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा करें, सो डैट कि आपकी प्रोफाइल में कोई भी ऐसी गलत चीज ना जाए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी बुरा असर हो। तो जब आपकी जीटीई क्लियर हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो यूनिवर्सिटी है रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपनी फीस है वो पे करें। यू कैन पे द फीस ऑफ अ सेमेस्टर, यू कैन पे फॉर द होल ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको वो फीस पे करने के लिए जो यूनिवर्सिटी से है कुछ टाइम लिमिट मिलती है कि इस डेट तक आपने जो फीस पे करनी है। तो जब भी आपको मेल आए तो वो मेल अच्छे से पढ़ें, वो डेट को जरूर चेक करें। ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है अपनी तो पेमेंट करनी है। देयर इज अ लिमिटेड टाइम टू पे द फीस। तो जब भी आप फीस पे करोगे उसके बाद आपको जो रिसीट है उसको संभाल के जरूर रखना। सो द नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो है आपकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो भी आपका कोर्स होने जा रहा है उतने टेन्योर की होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं, 2 साल का आपका कोर्स है, तो 2 साल की आपका टेन्योर होगा। ये आपकी इंश्योरेंस जो है
ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका वीजा लग जाता है, आप वहां पे जाते हैं, तो वहां पे आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं या फिर आपकी लाइफ की जो इंश्योरेंस है, ये वो इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इंश्योरेंस करवानी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मेक श्योर कि आप इंश्योरेंस को करवाएं और अपनी यूनिवर्सिटी को अपडेट करें अपने इंश्योरेंस के बारे में। जब आप अपनी इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी को दे दोगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको COE प्रोवाइड करेगी। COE मीन्स कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलने पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी ने है आपकी एक सीट बुक कर ली है। तो उसके बाद ही जो प्रोसेस है आपका एम्बेसी का स्टार्ट होगा। जितनी देर आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं मिलती, अनटिल अनलेस जो प्रोसेस था वो यूनिवर्सिटी में चल रहा था, जब आपको COE मिल गया, देन यू हैव टू फाइल टू द एम्बेसी। एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए यू हैव टू पे द एम्बेसी फी। इट इज $650, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 36,000 to 40,000 INR बनता है। तो वो आपने पे करनी है। अपनी जब आपने एम्बेसी में फाइल करना है तो आपकी एक हेल्प आईडी बनेगी। हेल्प आईडी के थ्रू आपके सारा प्रोसेस होगा एम्बेसी में। और हेल्प आईडी के बाद आपका जो है एक मेडिकल होगा, ये वही डॉक्टर कर सकता है जो एम्बेसी की तरफ से प्रिस्क्राइब है। तो आपकी जो आप जब आप एम्बेसी में अप्लाई करोगे, देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दैट कैन टेक योर मेडिकल टेस्ट। तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं, जो भी लोकेशन आपके नियरेस्ट है यू कैन गो फॉर दैट मेडिकल टेस्ट। यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। सो अपॉइंटमेंट लेके ही आप जाएं, ऐसे वॉक इन डायरेक्टली ना जाएं, आपके ऐसे मेडिकल नहीं होगा। तो जब आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद है आपका रिजल्ट। सो जब आपके ये सारे प्रोसेस होने के बाद, आई होप कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हो, आई विश कि सबका सक्सेसफुली वीजा मिले और आप अपनी स्टडी कैरी ऑन कर सकें ऑस्ट्रेलिया में। बट अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप में मेंशन किया है मेरा नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, तो आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर दिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे, सो दैट कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।